सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग गिवन पीस ऑफ C++ कोड एंड फाइंड आउट द एरर। हमारे पास एक कोड है, उसमें हमें उसको अच्छे से रीड करना है और पता करना है कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है। हमारे कोड में एक क्लास है टी नाम की, और उस क्लास के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। वो कैसे पता चला कि इस प्रिंट फंक्शन को हमने सिर्फ इस तरीके से डिक्लेयर करा है यहाँ पर, और ये हमारी क्लास ओवर हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है क्लास टी शुड कंटेन डेटा मेंबर्स, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन प्रिंट शुड बी डिफाइंड, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन प्रिंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक फंक्शन, देयर इज नो एरर लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात, पहला हम बात करेंगे क्लास टी शुड हैव डेटा मेंबर्स। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है किसी क्लास में डेटा मेंबर्स हो, हम पहले भी देख चुके हैं, खाली क्लास भी हो सकती है, बिल्कुल उसमें कुछ भी हमने डिफाइन नहीं करा हो, सो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस टाइप का कोई एरर ही नहीं होता है। नेक्स्ट, फंक्शन प्रिंट शुड बी डिफाइंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम फंक्शन को डिफाइन करें, हम डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सी जो हमारा ऑप्शन है, फंक्शन प्रिंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक फंक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक वर्चुअल फंक्शन है तो स्टैटिक फंक्शन बन नहीं सकता, हमने रूल्स पढ़े हैं वर्चुअल फंक्शन के टाइम पर, तो ये भी कोई एरर नहीं हुई, तो इसलिए हमारे पास अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन है देयर इज नो एरर, और रियलिटी में यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।